आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच योगी सरकार सख्त, उत्तर प्रदेश में 25 से नाइट कर्फ्यू का ऐलान। 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा कर्फ्यू, शादी में 200 लोगों को शामिल होने की अनुमति। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच सरकार सख्त, उत्तर प्रदेश में 25 से नाइट कर्फ्यू का ऐलान। 11 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा कर्फ्यू, शादी में 200 लोगों के शामिल होने की अनुमति। सुल्तानपुर जाएंगी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, संघ कार्यालय पहुंचेंगी स्मृति ईरानी, संघ कार्यकर्ताओं से करेंगी शिष्टाचार मुलाकात। मुलाकात करने के बाद अमेठी जाएंगी केंद्रीय मंत्री। सुल्तानपुर जाएंगी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, संघ कार्यकर्ताओं के साथ करेंगी शिष्टाचार मुलाकात। फतेहपुर में जन विश्वास यात्रा का हुआ आयोजन, यात्रा में पहुंचे डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा। जनसभा में जुटी लोगों की भीड़, बकेवर कस्बे में हुआ जनसभा का आयोजन। फतेहपुर में जन विश्वास यात्रा का हुआ आयोजन, यात्रा में पहुंचे डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा। जनसभा में जुटी लोगों की भीड़, बकेवर कस्बे में हुआ जनसभा का आयोजन। फतेहपुर में जन विश्वास यात्रा का हुआ आयोजन, बड़ी खबर सामने आ रही है, यात्रा में पहुंचे डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा। जनसभा में जुटी लोगों की भीड़। सुल्तानपुर में चरमराई कानून व्यवस्था, अराजक तत्वों ने गिराई स्कूल की बाउंड्री वॉल। पहले भी स्कूल में हो चुकी है चोरी की वारदात। लंबुआ कोतवाली के खुदौली कंपोजिट स्कूल का मामला। सुल्तानपुर में चरमराई कानून व्यवस्था, अराजक तत्वों ने गिराई स्कूल की बाउंड्री वॉल। पहले भी स्कूल में हो चुकी है चोरी की वारदात। लंबुआ कोतवाली के खुदौली कंपोजिट स्कूल का मामला बताया जा रहा, सुल्तानपुर में चरमराई कानून व्यवस्था। उन्नाव में दिखा जंगली जानवरों का आतंक, दो किसानों पर जानवर ने किया हमला। इलाज के दौरान एक किसान की मौत, दूसरे किसान का जिला अस्पताल में इलाज जारी। जंगली जानवर की तलाश में कॉम्बिंग जारी, किसान की मौत से ग्रामीणों में दहशत। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच योगी सरकार सख्त, उत्तर प्रदेश में 25 से ज्यादा नाइट कर्फ्यू का ऐलान। 25 तारीख से लगेगा नाइट कर्फ्यू, 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा नाइट कर्फ्यू, शादी में 200 लोगों के शामिल होने की अनुमति। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच योगी सरकार सख्त, उत्तर प्रदेश में 25 से नाइट कर्फ्यू का ऐलान। 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा लागू, शादी में 200 लोगों के शामिल होने की अनुमति। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता विभांशु जुड़ चुके हैं। विभांशु, कोरोना के चलते उत्तर प्रदेश सरकार सख्त हो गई है, 25 तारीख यानी कि क्रिसमस और न्यू ईयर तक के लिए लागू कर दिया गया है नाइट कर्फ्यू, क्या कहेंगे? जी, आपको बता दें कि 25 और क्रिसमस जो है, 25 जो क्रिसमस होता है और न्यू ईयर, इसमें खास तौर पे लोगों का बाहर मार्केट और तमाम जगहों पे जमावड़ा होता है, जिसको देखते हुए प्रदेश सरकार ने नाइट कर्फ्यू का यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया है प्रदेश के अंदर में। और साथ ही साथ आपको 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान बहुत ही बेहद जरूरी चीजों के लिए लोग बाहर आ सकते हैं, या फिर चिकित्सा हो या कुछ अति आवश्यक चीजें हो तभी लोग बाहर आ सकते हैं, बाकी पूरी तरह से लोगों का निकलना प्रतिबंधित रहेगा। ओमिक्रॉन का मामला धीरे धीरे प्रदेश में भी बढ़ता जा रहा है और देश में 300 का आंकड़ा पार हो चुका है। इसी को देखते हुए
ऐसा किया गया है। और आपको बता दें कि शादियों में अब 200 लोग को ही आने की अनुमति है। वहीं अगर बात करें तो जो मॉल है या जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी है वहां पे सामाजिक स्थलों पे आधी संख्या में लोगों की जाने की अनुमति है। जी, रेस्टोरेंट और होटल के लिए क्या दिशा निर्देश जारी किए गए हैं? जी, आपको बता दें कि 50% संख्या के साथ होटल, रेस्टोरेंट और मॉल खोलने की अनुमति है। अगर 100 लोगों की सीट है तो वहाँ 50 ही लोगों को अभी बैठा सकती है। जी, और मास्क का पालन कराने के लिए क्या कुछ करेगी अब सरकार? जी, मास्क का पालन के लिए ये आए दिन जागरूकता के लिए PSA पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट होते रहे हैं, लेकिन आप खासतौर पर लोगों को देखेंगे कि मास्क के प्रति लोग जागरूक नहीं है, मास्क लोग नहीं लगा रहे हैं और इसके लिए सरकार को कुछ करना पड़ेगा। और फिर से जो फाइन की जो पद्धति से फाइन लिया जा रहा था 500 रुपए, जो लोग मास्क नहीं लगा रहे थे, ऐसे दिशा निर्देश पुलिस को अब जल्द ही मिल सकते हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर मैसेज संवाददाता विमान से जुड़े थे। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।